बेसिक पॉइंट के फिलोसफर्स हैं। तो यहाँ पे हम शंकराचार्य के बारे में सी कैसे पाएंगे अगर हमारे अकेडमिक्स में सारी फिलोसफी बेसिक पॉइंट तो छात्रों के लिए यहाँ पर सुनिंग जो शंकराचार्य के स्टडीज को अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के छात्र हैं और उसमें जो उनका सिलेबस है उसमें पाश्चात्य राजनीति का ही पूरा वर्णन है। तो शंकराचार्य इत्यादि के आधार पर हमारी जो प्राच्य भारतीय राजनीति है उसके बारे में कैसे जानें। राजधर्म पर सुनिए गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित महाभारत प्रकाशित है, उसमें राजधर्म पर्व है। राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, पांचों एकार्थक शब्द हैं। राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थ नीति कहते हैं, छात्र धर्म क्षत्रियों का धर्म कहते हैं। महाभारत में राजधर्म पर्व है। गीता पे से पूरा महाभारत पांच खंडों में, हरिवंश पुराण सहित छह खंडों में प्रकाशित है। हिंदी अनुवाद सहित पूरे महाभारत पढ़ने का समय ना हो तो राजधर्म पर पढ़ लीजिए, पूरी राजनीति पूरे राजधर्म के विशेषज्ञ हो जाएंगे। अच्छा नहीं तो एक मिनट, तुलसीदास जी ने एक ही पंक्ति में राजनीति की व्याख्या कर दी, राजनीति समझो इतने ही मन में रहे मनोरथ कोई, मनोरथ को इतना छिपा के रखिए कि कार्य हो जाए तब लोगों को लगे ये करना चाहते थे। बहुतों को ये लगे कि पता नहीं अपने आप हो गया, ये करना चाहते थे। राजनीति को तुलसीदास जी ने एक ही वाक्य में परिभाषित किया, राजनीति समझो इतने ही मन में रहे मनोरथ गोई। आगे फल बल कल्प। हाँ।